हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टैंडर्ड कॉरपोरेट एडवाइजर से। मैं जेविंदर सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन यानी कि जो लेट फीस वेव ऑफ करने के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है जीएसटी के अंडर, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीन नोटिफिकेशन आई हैं, नोटिफिकेशन नंबर 75, 76 एंड 77। ये जो नोटिफिकेशन आई है ये 31 दिसंबर 2018 को आई है और ये तीनों रिटर्न के रिगार्डिंग है यानी कि GSTR 1, 3B एंड 4। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं GSTR 1 एंड 3B नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करनी होती हैं एंड GSTR 4 जो टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर है उनको फाइल करनी होती है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जो नोटिफिकेशन नंबर 75 है वो GSTR 1 के रिगार्डिंग है यानी वो GSTR 1 को डील करता है। तो नोटिफिकेशन नंबर 75 अमेंड करता है, एक गवर्नमेंट ने एक पहले नोटिफिकेशन इश्यू की थी, नोटिफिकेशन नंबर 4 ऑफ 2018 में एक और नोटिफिकेशन आई थी जो GSTR 1 के रिगार्डिंग थी यानी कि GSTR 1 की जो पेनल्टी लग रही थी उसको वेव ऑफ कर दिया था। लेकिन अब 75 जो आई है वो उसको आगे मतलब उसमें एड ऑन कर दिया है यानी कि जो अब पहले हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 जो आई थी 23rd ऑफ जनवरी 2018 को। नोटिफिकेशन नंबर 4 हमें बताती है, नोटिफिकेशन नंबर 4 वेव्स लेट फीस पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलियर टू फर्निश GSTR 1 बाय द ड्यू डेट विच इज इन एक्सेस ऑफ 25 or 10 rupees फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। यानी कि पहले ये हो रहा था कि ज़्यादा लेट फीस लग रही थी, यानी कि जब पहले स्टार्टिंग में GSTR 1 या 3B को हम लेट कर देते थे ड्यू डेट के बाद तो उस पर 50 rupees पर हेड पर डे लग रही थी यानी कि 100 rupees पर डे हो रही थी दोनों हेड की, CGST और IGST की, CGST और SGST को मिला करके। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 4 आई तो नोटिफिकेशन नंबर 4 ने इस लेट फीस को रिड्यूस करके 25 rupees and 10 rupees पर हेड पर डे कर दिया। 25 इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन, यदि आपकी ट्रांजैक्शन है मंथ में तो तब लगेगी, 10 rupees अगर आपकी रिटर्न नील है तब लगती थी, मतलब पहले लगती थी। अब गवर्नमेंट ने एक और नोटिफिकेशन आई है जो है नोटिफिकेशन नंबर 75। नोटिफिकेशन नंबर 75 हमें बताती है कि द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल सेल स्टैंड वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्संस हु फेल्ड टू फर्निश GSTR 1 फॉर द मंथ और क्वार्टर फ्रॉम जुलाई 17 टू सितंबर 18 बाय द ड्यू डेट। मतलब नोटिफिकेशन नंबर 75 हमें बताती है कि अगर किसी पर्सन ने जो रजिस्टर्ड है उसने अपनी मंथली या क्वार्टरली मतलब जो भी उसने ऑप्शन चूज कर रखा है या फिर उसकी टर्नओवर 1.5 CR से ऊपर है तो उसको मंथली फाइल करना मैंडेटरी है। अगर उसकी टर्नओवर 1.5 CR एनुअली कम है तो वो ऑप्शनली मंथली भी फाइल कर सकता है या क्वार्टरली भी फाइल कर सकता है। अगर उसने फाइल नहीं की है जुलाई 17 से सितंबर 18 तक की विद इन द टाइम लिमिट जो प्रोवाइड की गई है तो उसकी लेट फीस वेव ऑफ हो जाएगी यानी कि उसको जो अपनी GSTR 1 है विदाउट लेट फीस ही फाइल कर देनी होगी यानी कि अब उसको लेट फीस नहीं लगेगी अगर वो अपनी GSTR 1 फाइल करता है जुलाई 17 से सितंबर 18 के बीच की। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, अगर आपको अपनी लेट फीस वेव ऑफ करानी है या कि यानी कि बिना लेट फीस के आपको अपनी GSTR 1 फाइल करनी है जो अभी तक फाइल नहीं की है जिन लोगों की, तो उन लोगों को अपनी ये GSTR 1 22nd of December 2018 से 31st of March 2019 तक फाइल करनी होगी यानी कि
जिन लोगों ने अभी तक फाइल नहीं की है उनकी लेट फीस तभी वेवअप होगी फॉर जीएसटीआर 1 अगर वो अपनी जीएसटीआर 1 22 दिसंबर 2018 से 31st यानी कि 31 मार्च 2019 तक फाइल कर देती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 76 हमें बताती है जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन नंबर 76 है तीन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, यानी कि गवर्नमेंट ने पहले तीन नोटिफिकेशन और इश्यू कर रखी थी जीएसटीआर 3B के रिगार्डिंग। तो नोटिफिकेशन नंबर जो पहले इश्यू कर रखी थी वो है 28, 50 और 64, ये इश्यू हुई थी 2017 में। जो नोटिफिकेशन नंबर 28 है जो 1 सितंबर 2017 को आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 28 जो 1 सितंबर 2017 को आई थी ये बेवॉप करती है, यानी वेव्स द लेट फी पेबल फॉर ऑल रजिस्टर्ड पर्संस हु फेल टू फर्निश जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017 बाई ड्यू डेट। यानी कि जो पहले 1 सितंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन आई थी नोटिफिकेशन नंबर 28 ऑफ 2017, तो जो जिन लोगों ने अपनी जीएसटीआर 3B फॉर जुलाई मंथ 2017 की लेट फाइल की थी उसके ऊपर जो लेट फीस लग रही थी उसको बेवॉप कर दिया था, यानी उसको माफ कर दिया था। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 50 आई 2017 की, जो आई 24 अक्टूबर 2017 को, 24 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन नंबर 50 आई, जिसने लेट फीस जो लग रही थी अगस्त और सितंबर जीएसटीआर 3B 2017 में, यानी 2017 में अगस्त और सितंबर पे जो लेट फीस लग रही थी फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 3B उसको बेवॉप कर दिया। उसके बाद आई नोटिफिकेशन नंबर 64 जो आई 15 नवंबर 2017 को, 15 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन आई। पहले ये हो रहा था कि अगर लेट आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं, यानी कि विदिन द ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं, तो आपको लेट फीस लगती थी 50 रुपीज पर हेड पर डे, यानी कि 100 रुपीज पर डे टोटल हो रही थी। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 64 की आई 15 नवंबर 2017 को, इसने थोड़ा चेंज किया, यानी कि लेट फीस कम कर दी और कम की है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आपकी जिस मंथ में ट्रांजैक्शन है तो उस मंथ में आपकी लेट फीस लगेगी 25 रुपीज फॉर ईच हेड, सो दैट टोटल हो जाएगा आपका 50 रुपये पर डे, यानी कि 25 रुपये CGST 25 रुपये SGST टोटल आपका हो जाएगा 50 रुपये। अगर आपकी रिटर्न नील है, मतलब आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उस मंथ में या उस पीरियड में, तो आपकी लेट फीस लगेगी 10 रुपीज फॉर ईच हेड ईच डे, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 20 रुपीज पर डे इन केस ऑफ नील रिटर्न। अब ये हमने बात की जिन नोटिफिकेशन को 76 ने अमेंड किया, यानी कि चेंज किया। तो ये थी तीन नोटिफिकेशन 28, 50 और 64 जो थी 2017 की। अब हम बात करने जा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 76 नंबर की, जो आई है 31 दिसंबर 2018 को। इसमें बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल सेल स्टैंड वेव्ड ऑफ फॉर द रजिस्टर्ड पर्संस हु फेल्ड टू फर्निश जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2017 टू सितंबर 2018 बाय द ड्यू डेट। नोटिफिकेशन नंबर 76 ने हमें बताया कि जिन लोगों ने अपनी जीएसटीआर 3B जुलाई 2017 से लेकर के सितंबर 2018 तक की फाइल नहीं की है टाइमली, वो लोग अगर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर देते हैं दिसंबर 22 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी जुलाई 17 से सितंबर 2018 तक की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की थी, अगर वो फाइल कर देते हैं 22 दिसंबर 2018 से, या उन्होंने फाइल की है 31 मार्च 2019 तक, तो उनके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी।
अगर मान लो जिन लोगों ने ऑलरेडी उस पीरियड की विद लेट फीस पे मतलब फाइल कर दिया है, यानी कि कुछ लोगों ने इस नोटिफिकेशन के आने से पहले ही फाइल कर दी है अपनी रिटर्न और उन्होंने लेट फीस भी पे कर दिया, तो उनकी लेट फीस वापिस आ जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन नंबर 77 की ओर। नोटिफिकेशन नंबर 77 हैज बीन इश्यूड फॉर मेकिंग द अमेंडमेंट फॉर वेव ऑफ लेट फीस पेबल इन द नोटिफिकेशन नंबर 73 ऑफ 2017। पहले यानी कि जो नोटिफिकेशन नंबर 77 2018 31 दिसंबर को आई है, वो नोटिफिकेशन नंबर 73 2017 का एक सीक्वल मान लीजिए, यानी कि उसको थोड़ा ऐड नेक्स्ट वर्जन मान लीजिए। पहले हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 73 2017 में आई थी। नोटिफिकेशन नंबर 73 जो 2017 में आई थी, वेव्स लेट फीस पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलियर टू फर्निश GST R4 बाय द ड्यू डेट विच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट ऑफ 25 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। यानी कि जो नोटिफिकेशन नंबर 73 थी, जैसे कि GST R3B पे पहले लेट फीस लग रही थी 50 रुपीज पर हेड पर डे, यानी कि 100 रुपीज पर डे हो रही थी, वही सेम था GST R4 पर भी। इस पर भी जो लेट फीस थी पहले 50 रुपीज पर हेड पर डे, यानी कि 100 रुपीज पर डे थी, वो नोटिफिकेशन नंबर 73 2017 ने कम करके इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन 25 रुपीज पर हेड पर डे, यानी कि टोटल 50 रुपीज पर डे इन केस ऑफ नील रिटर्न, यही लेट फीस कर दी थी 10 रुपीज पर हेड पर डे, यानी कि टोटल 20 रुपीज। अब हम बात करते हैं जो नोटिफिकेशन नंबर 77 31 दिसंबर 2018 को आई है, उसने क्या किया। नोटिफिकेशन नंबर 77 ने किया, द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल शैल स्टैंड वेव्ड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्ड टू फर्निश GST R4 फॉर द क्वार्टर। यानी कि GST R4 तो क्वार्टरली फाइल होती है ना, ये आप लोग जानते होंगे, और ये ओनली कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए है, जो लोग कंपोजिशन स्कीम में है। GST R4 फॉर द क्वार्टर ऑफ जुलाई 17 टू सितंबर 2018 बाय द ड्यू डेट। यानी कि ये 77 2018 में जो आई है उन लोगों के लिए है जो लोग कंपोजिशन स्कीम में हैं, और उन लोगों ने अपनी GST R4 जुलाई 17 से लेकर के सितंबर 18 तक की फाइल नहीं की है विद इन द ड्यू डेट, तो वो लोग बिना लेट फीस के फाइल कर सकते हैं। और फाइल करनी कब से कब तक है, 22 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच अगर वो लोग अपनी GST R4 फाइल कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों यही था, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं। आप कोई भी क्वेरी आपकी इसके रिगार्डिंग तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने यानी कि जुलाई 2017 के बाद सितंबर 2018 तक की कोई भी रिटर्न, यानी कि चाहे वो GST R1 हो, GST R3B हो या GST R4 हो, जो लोग कंपोजिशन के लिए GST R4 अगर वो फाइल की है नोटिफिकेशन आने से पहले और वो लेट फीस पे करने के साथ फाइल की है, तो उनकी लेट फीस जो ऑलरेडी पे कर दी है उनके रिटर्न होने के चांसेस हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था जब नोटिफिकेशन नंबर ये आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 28 और 50 आई थी 2017 में, तो जिन लोगों ने नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दी थी लेट फीस के साथ, तो उन लोगों की लेट फीस भी वापस आ गई थी। तो अब भी जिन लोगों ने नोटिफिकेशन नंबर 75, 76 या 77 आने से पहले अपनी रिटर्न लेट फीस के साथ फाइल कर दी है तो उन लोगों की लेट फीस रिफंड हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं की है, अभी तक पेंडिंग है, वो लोग बिना लेट फीस के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और करनी है 22
2018 से 31 मार्च 2019 के बीच, अगर उसके बाद करेंगे तो फिर से आपको पूरी लेट फीस पे करनी होगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट के इस बेनिफिट का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।